फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये दो तरह के फैब्रिक लिया है। ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है जिस पर इस तरह का वर्क बना हुआ है। ये भी सेम फैब्रिक है, वर्क इसमें अलग है। साथ ही मैंने ये सैंटून फैब्रिक लिया है जो कि मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे इस लाइनिंग वाले कपड़े पे। तो कपड़े को हम विड्थ में देखिए, मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है टॉप पार्ट के लिए। और इसकी जो विड्थ है 4 फोल्ड में वो 11 इंच की है, यानी ये 44 विड्थ का कपड़ा है। कपड़े को यहाँ ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच के बराबर कर लेंगे, कपड़ा बराबर नहीं है ऊपर। उसके बाद यहाँ इसकी हम लेंथ देख लेते हैं। लेंथ मुझे 14 इंच की रेडी चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो 15 इंच मैंने मार्क किया है। अभी यहाँ से हम कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। इस तरह से कट कर लिया है। और अभी यहाँ से देखिए, हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 6.5 इंच मार्क करूँगी, आर्म होल के लिए मैं इसमें 7 इंच मार्क करूँगी। मार्क किया, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मैं इसे 34 चेस्ट का बना रही हूँ, उसका चौथाई हिस्सा लेंगे, यानी 34 का चौथाई हिस्सा 8.5 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। टोटल मैंने 10.5 इंच लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट मार्क करनी है। मैं 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 होता है 7 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि प्लेट्स डॉट्स बनाने हैं हमें, और 2 इंच का मार्जिन, तो टोटल मैंने 10 इंच ले लिया है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे गोलाई देंगे। फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम नेक की विड्थ मार्क करेंगे। नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच रखूँगी, 3 इंच मार्क किया। इसके बाद शोल्डर पे हम हाफ इंच की स्लोप देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे छोटा सा कट बना लेते हैं। इसके बाद इसमें से एक पार्ट हम हटा लेंगे, बैक का पार्ट इसमें से हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट की आर्म होल कट कर ली। अभी फ्रंट पार्ट की नेक हम मार्क करेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रंट नेक कट कर लेते हैं। फ्रंट नेक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसे मार्क करूँगी 5.5 इंच। मार्क किया, राउंड शेप देंगे इसे। इस तरह से मैंने राउंड शेप मार्क कर लिया और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है। अभी बैक वाला पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट की नेक कट करेंगे। जो बैक पार्ट की नेक है वो मैं डीप रखूँगी। तो बैक पार्ट की जो नेक है वो मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने 9 इंच मार्क किया, इसे भी हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए, शेप मैंने मार्क कर ली है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक पे हम इसे कट कर लेंगे। तो जो ये वाला फैब्रिक है इस पे मैं इसे कट कर लूँगी। तो इसे देखिए, मैंने कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसे खोल लेंगे।
अभी देखिए दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड रखनी है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड है, इस तरह से रख लेना है बिल्कुल बराबर से। और इसकी नेक की शेप में हमें सिलाई लगानी है। ठीक इसी तरह से इसका जो बैक पार्ट है उसकी भी दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरह से देखिए दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और नेक की शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है, अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक में उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है, अभी छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे। बैक पार्ट में भी इसी तरह से कट्स बना लेंगे। और कट्स बनाने के बाद देखिए हम कपड़े को टर्न कर लेंगे। इस तरह से देखिए अब दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड आ गई है, इस तरह से टर्न कर लेना है। उसके बाद इस पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। ठीक इसी तरह से इसे भी टर्न कर लेंगे और इस पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे, साथ ही चारों तरफ से सिलाई लगा के दोनों कपड़े को एक साथ हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसकी प्लेट्स के निशान बनाएंगे डॉट्स के। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, ऊपर की साइड से देखिए हम मार्क करेंगे 10.5 इंच पे और यहाँ बंद वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड इस तरह से मार्क करते हुए हम निशान बना लेंगे। दूसरी साइड भी ठीक इसी तरह से हल्के हाथ से टैप करेंगे, ये निशान दूसरी साइड भी बन जाए। इस तरह से निशान बना लिया है, इस तरह से पकड़ते हुए इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। और अभी ये निशान हम बैक साइड में लगा लेंगे, तो जो ये फिटिंग का निशान है वहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच मार्क करेंगे और इसमें भी हाफ हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए ये निशान हम बना लेंगे। दूसरी साइड भी ये निशान बना लेंगे और इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है इन पे। इसके बाद हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। और अब बॉटम के लिए देखिए मैं कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। इस गाउन को मैंने 3 लेयर में बनाया है, टॉप का पार्ट ये जो है ये मिडिल वाला पार्ट होगा। तो कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे वेस्ट का निशान बनाएंगे। तो वेस्ट में मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स मैंने दी हुई हैं, तो एग्जैक्ट नाप नहीं लिया है मैंने वेस्ट का। तो ऊपर से देखिए यहाँ से हम 11 इंच मार्क कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट नाप चाहिए तो जितनी वेस्ट साइज है उसका चौथाई हिस्सा ले लीजिए और उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ वेस्ट मार्क कर ली है। इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे, तो 14 इंच ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ से ये जो मिडल पार्ट होगा इसका उसकी लेंथ मार्क करेंगे और बाकी जो पूरी लेंथ होगी वो हम नीचे की साइड फ्रिल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 31 इंच लिया हुआ है, ये यहाँ ऊपर से 17 इंच आ रही है, 1 इंच प्लस करके यानी टोटल यहाँ जो मिडल वाली लेंथ होगी उसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 18 इंच ली हुई है। इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे और अभी हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें जो नीचे फ्रिल अटैच करनी है उसकी लंबाई मार्क करेंगे, तो दोनों को एक साथ मिला के रख लेंगे। और यहाँ से देखिए जो ये मुझे टोटल चाहिए इसकी गाउन की लेंथ वो 53 इंच की चाहिए, 52 इंच की रेडी चाहिए। तो यहाँ पे जो लेंथ आ रही है वो
20 इंच की हमें इसमें फ्रिल अटैच करनी है। तो इस कपड़े से हम फ्रिल के लिए कपड़ा स्ट्रिप कट करेंगे। तो कपड़े को विड्थ में मैंने फोल्ड किया है और यहाँ से हाफ इंच प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। 20.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से पूरे कपड़े को हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है सेंटर से, इस तरह से हम कपड़े को सेंटर से कट कर लेंगे। तो मैंने सेंटर से कट कर लिया है और यहाँ से पहले हम कपड़ा स्लीव के लिए निकाल लेंगे। तो मैं करीब इतना कपड़ा मैं स्लीव के लिए निकाल रही हूँ। बाकी को हम फ्रिल में अटैच कर लेंगे, इनको एक साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने कपड़े को ज्वाइन कर लिया है और अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड एक साथ मिला के रखते हुए और इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए पूरी घेर में हम ये कपड़ा अटैच कर लेंगे, पूरे घेर में अटैच कर लेंगे। इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी घेर में ये फ्रिल अटैच कर ली हैं। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए यहाँ से हम स्लीव्स कट करेंगे। और बाकी मुझे ये फुल स्लीव्स की बनानी है। तो दोनों कपड़े को एक साथ मिक्स करके मैं यहाँ बनाऊँगी। यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। तो 21 इंच की मैं लेंथ लूँगी। यहाँ मार्क किया और उसके बाद इसे हम स्लीव की शेप देंगे। विड्थ देखिए इसकी मैं 9.5 इंच रखूँगी। यहाँ से स्लीव की शेप दे देंगे और यहाँ स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर इसके अटैच कर लिए हैं। ये स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है, जो जॉइंट वाली जगह है वहाँ पे मैंने ये लेस अटैच कर ली है। फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए सेंटर से दोनों स्लीव को हम इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। मैंने स्लीव्स इसकी अटैच कर ली है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो हम फिटिंग के निशान फिर से मार्क कर लेते हैं। अभी यहाँ से देखिए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, वो मैं 4 इंच मार्क करूँगी। इस तरह से मिला लेंगे यहाँ तक। दूसरी साइड भी स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और पीछे मैंने ये लटकन और डोरी भी अटैच कर ली है। टॉप पार्ट हमारा तैयार है। अभी बॉटम के लिए देखिए मैंने बॉटम बेस का तैयार कर लिया है। अभी दूसरी साइड से यहाँ से इसे सिलाई लगा के बंद कर देंगे। यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। ये लाइनिंग से भी मैंने सेम ये अम्ब्रेला इसका कट कर लिया है और मेन फैब्रिक से ये करीब 2 इंच कम रखा है इसका लेंथ मैंने। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वेस्ट इसकी मार्क कर ली है मैंने। और इसके बाद इसे अंदर की साइड रखेंगे लाइनिंग को। और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वेस्ट में उसकी प्लेट्स मैंने लगा ली हैं। उसके बाद यहाँ वेस्ट से बिल्कुल दोनों साइड से मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है
और जॉइंट्स पे मैंने ये लेस अटैच कर ली है। ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।